पहुंच गया भाई क्रिकेट ग्राउंड ना, फाइनली काफी बड़ा है यार ये तो। पोपट हो गया भाई, या तो कोई है नहीं अपना जान का। ये दूसरी गेंद फिर चूक गए लगता है, ये अभ्यास में नहीं है। Hey guys, good morning, welcome to the new vlog. So guys, फिलहाल ना 10 बजे हुए हैं, तो जस्ट अभी एडिटिंग फिनिश की है भाई, और रात को हो नहीं पाई थी बिकॉज निकल के घर से डिनर करके आए थे। मैं यहाँ पे 12:30 बजे 1 बजे पहुँचा था, तो उस टाइम तो थोड़ी बहुत एडिटिंग की थी मैंने 2 बजे तक, फिर नींद आने लगी, फिर मैं सो गया था। मैंने सोचा था कि सुबह 8 बजे उठ जाऊँगा और करूँगा, लेकिन फिर मैंने आधे घंटे का और नैप ले लिया, फिर 8:30 बजे स्टार्ट की थी और अब जाके पूरी हुई है। अब भी 2 घंटे लग गए यार, मतलब 3 घंटे लग गए पूरे एडिटिंग करने में। रात भी काफ़ी की थी 1 घंटा और अब भी 2 घंटे लग गए, तो काफ़ी टाइम लग जाता है कई बार। तो आज तो ऐसे भी संडे था तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, अभी नहाएंगे धोएंगे, और घर पे कोई नहीं है 2 दिन से भाई। अभी से एक भाई बस कल रात आए थे, नहीं तो कल पूरा दिन थे, परसों पूरी रात नहीं थे, और आज का पूरा दिन भी कोई नहीं है यहाँ पे, मैं अकेला ही हूँ। तो क्रिकेट खेलने चले गए अभिषेक भाई, तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी चलता हूँ क्रिकेट खेलने। सो गाइस, अभी जस्ट नहा तो लिया था और अभी मुझे को मार्केट जाना पड़ेगा क्योंकि दूध वगैरह सब ख़त्म हो रखा है। तो मैंने सोचा था कि आज कॉर्न फ्लेक्स खाते हैं जो मैंने कल लगेज से उठाए थे अपने, और कुछ बना लेंगे साथ में। तो सब कुछ ख़त्म हो रखा है तो सोचा कि लेके आ जाता हूँ मैं। बटर वगैरह भी ख़त्म हो रखा है, ब्रेड वगैरह भी नहीं है। And I don't think I've ever been so low, 'cause losing you was worse than losing hope, and baby I could never let you go, you're the one good thing I know. Finally shopping ho gayi, काफी सारा सामान ले लिया, फ्रूट्स वगैरह भी ले लिए और वेजिटेबल्स भी ले लिए थोड़ी थोड़ी बहुत। ग्रोसरी शॉपिंग का भी अच्छा खासा बिल बन जाता है यार यहाँ पे, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम तो है। और ये जिस जगह पे मैं हूँ अभी बिल्कुल नहीं लगती यार फिनलैंड जैसे ना, देखो कैसे खाली खाली से रहती है, तो बिल्कुल भी फिनलैंड लगता है कि फिनलैंड में रह रहा हूँ, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ ही आ गया। तो बिल्कुल अलग सी जगह है ये, खाली खाली सी, बिल्कुल बंजर सी देखने में लगती है, सूखी सूखी सी, बट लेकिन यहाँ पे मज़ा काफ़ी आता है रहने में ना, काफ़ी शांति है, हर टाइम चिड़ियों की आवाज़ आती रहती है, तो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सा फील होता है हर टाइम पे। तो अभी चलते हैं कुछ बनाते हैं खाने को यार। हाँ, अभी सामान भारी हो गया यार काफ़ी। वो लेडी जो कल मिली थी हमें यहाँ पे, उन्होंने लगा दिए पौधे, देखो काफ़ी सारे यहाँ पे। दूध और कॉर्नफ्लेक्स, बनाना और ब्रेड। तो भाई अभी निकलता हूँ मैं। ओके, पैर ही मुड़ गया यार। जब मैं आ रहा जा रहा था तो मैं सोच रहा था ये कोई कंक्रीट वगैरह का कोई वो पड़ा होगा मलवा, और देखा तो आज बर्फ है, पिघलने लग रही है। देखो थोड़ी बहुत बर्फ अभी भी बाकी है, तो अभी इतनी तेज धूप पड़ रही है ना डेली, तो सारी बर्फ पिघलने लग रही है और कुछ दिनों में बिल्कुल गायब हो जाएगी। अभी फिलहाल 2:30 हो चुके हैं और 3:15 से मैच है, तो पहले यहाँ से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, फिर वहाँ से बस करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे जहाँ पे मैं जा रहा हूँ बिल्कुल नई जगह है, बिकॉज़ मुझे रास्ते वगैरह कुछ नहीं पता, तो देख देख के जाना पड़ेगा। वैसे यहाँ से सी जोन से पीछे सीधी बस है, लेकिन मेरे पास ए बी जोन का टिकट है, तो इसलिए वो बस में अलाउ नहीं करेंगे। जैसे ही मैं टैप करूँगा ना बस पे, तो पता चल जाएगा कि ये ए बी जोन के लिए वैलिड है, भले ही वो बी जोन में जा रही हो, लेकिन फिर भी अलाउ नहीं करेंगे। तो ये सीन रहता है थोड़ा सा, तो इसलिए पहले रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन में और आगे बी जोन में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से बस करनी पड़ेगी। इस जगह पर हमेशा भागना पड़ता है, ट्रेन आगे खड़ी है। एक्सक्यूज मी, दो बार सेम चांस हो लिया भाई। So cold, remember when our hearts would open. तो ये ना बिल्कुल नेक्स्ट स्टेशन है जिस स्टेशन से मैं बैठा था, तो यहाँ से जो बस मिलेगी वो बी जोन वाली मिलेगी। बस स्टैंड देखते हैं कहाँ है, 533 नंबर की बस मिलेगी भाई। इधर सब्वे भी है भाई, सही है। वो रहा भाई प्लेटफॉर्म नंबर 11। ओ भाई देखो एस्क्रॉस, एस्क्रॉस जा रही है, वो भी पुराने वाला मॉडल है। समर्स का असली मजा तो भाई ये दे रहे हैं। ये देखो कौन सी गाड़ी खड़ी है इधर, i20। यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ी कॉमन है भाई, देखने को मिल जाएंगी आराम से, लेकिन ये i20 बहुत रेयर है, एस्क्रॉस बहुत रेयर है। आधा घंटा वेट करना पड़ा जब जाके बस आई भाई ये।
एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस टाइम मैं फिनलैंड को, तो मज़ा आ रहा है। मतलब जहाँ भी जा रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि अकेले ही जाऊँ ताकि मुझे यहाँ की ज़्यादातर चीज़ों का आइडिया लग जाए। फीलिंग भी अलग है और मज़ा भी आ रहा है। आज तो भाई इतना लंबा ट्रैवल किया ना बस से, ऐसा लगा कि आधा फिनलैंड ना घूम लिया हो। काफ़ी मस्त मस्त जगह पड़ी बीच में, देखते हैं ढूंढते हैं कहाँ है क्रिकेट ग्राउंड। सही भी जा रहा हूँ, ये अच्छा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके वॉक अच्छी हो जाती है, दो दूर जाना पड़ता है ना, नहीं तो फिर आप घूम भी नहीं पाओगे अगर खुद का व्हीकल हो जाए। घूमना हो रहा है बढ़िया, कभी इधर कभी उधर पैदल जाओ जहाँ भी जाना है। ये देखो इस रोड पर कार और बाइक अलाउड नहीं है भाई ऊपर, अभी इसको फॉलो करते करते चल रहा हूँ। इधर कहीं होना चाहिए यार क्रिकेट ग्राउंड, दिख नहीं रहा बट यहीं दिखा रहा है ये तो, कि मैं पहुंच गया ऑलमोस्ट वहाँ कहीं है शायद, चलते हैं देखते हैं। ये देखो इधर पता नहीं क्या अपना रखा है ये इन्होंने, कुछ तो है पर समझ नहीं आ रहा क्या है, पहली बार देख रहा हूँ मैं तो अजीब अजीब सी चीज़ें। मैं अबे ये घास टाइप की है, कुछ ब्लू कलर की है, रबर की है, पर आई थिंक ये है भाई क्रिकेट ग्राउंड, लेकिन कोई दिख नहीं रहा अपने वाला, जाके देखते हैं। उधर ना खेल रहे हो, वहाँ पे क्रिकेट प्रैक्टिस चल रही है। पहुँच गया भाई क्रिकेट ग्राउंड ना, फाइनली काफ़ी बड़ा है यार ये तो, देखते हैं कौन कौन खेल रहा है, ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई और टीम ही खेल रही हो, हमारे वाले हो ही ना, तो जाके पता चलेगा अभी। ये देखो भाई कितना बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, पोपट हो गया भाई, या तो कोई है नहीं अपना जानकार। मैंने बात की अभी अभी से एक भाई से, बोल रहे हैं अभी हम आएंगे, अभी तक हम पहुँचे नहीं है, तो मतलब मैं लेट होने के बाद ही सबसे पहले पहुँच गया भाई। मतलब 3:15 का मैच था और मैं 3:30 बजे पहुँचा हूँ। वो आ रहे शायद, वो रे भाई अब घुसे हैं, देखो मैं इन सबसे पहले आ गया, अभी से एक भाई सबसे आ गया इनमें, भाई साहब पूरी किट लेके आ रहे हैं। तो कर तो रहा है बॉलिंग और क्या जान लेगा, बढ़िया खेल रहे हैं भाई साहब, काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं शायद। उधर भाई वाइट बॉल से खेल रहे हैं लेदर की, तो पूरी किट विट पहनी हुई है प्रॉपर। ये घास जो है इधर प्लास्टिक की है और उसके ऊपर ना पतली पतली रोड़ियाँ डाल रखी हैं भाई, ये स्टोन्स है, तो ये देखो कितना प्लेन है यहाँ पे भाई, स्मूथ है एकदम, तो हर चीज़ को अच्छे से मेनटेन किया हुआ है, तो आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हो। बिल्कुल प्लेन है भाई, ये देखो दूर दूर तक एकदम प्लेन है, और इस ग्राउंड की शायद फीस 10 यूरो है, तो मतलब पूरी ग्राउंड बुक हो जाता है एक तरह से, आप क्रिकेट खेल सकते हो आपकी टीम 10 यूरो में, मतलब हर बंदा नहीं पर हेड नहीं है, पूरी टीम का 10 यूरो फीस है क्रिकेट खेलने की यहाँ पे, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता ही है यार। ये है भाई 10 सेंट, अबे गिर गया टॉस कोई नहीं, तो अंबुज भाई का है, इससे भी टॉस हुई थी। अंबुज भाई आपका 10 सेंट धन्यवाद, ये अगले मैच में काम आएगा टॉस के लिए, लक्की कॉइन जीत गए वैसे, बैटिंग ले ली है सागर अग्रवाल बैटिंग करते हुए, बंद करो नहीं नहीं ठीक है, वो गेंदबाजी का छोर संभाले हुए हैं देवाशीष पांडे, थोड़ा हटना, मजा नहीं आ रहा है, बहुत बुरी हालत है, चूक गए सागर अग्रवाल, तौबा तौबा तौबा, ये दूसरी गेंद फिर चूक गए, लगता है ये अभ्यास में नहीं है, बस यार बस एक लिमिट होती है इंसान की। और ये देखिए ये आ गया मिस्टर मैक अभिषेक आनंदिया, हाँ क्या बात है, ज़ूम करके लो, ज़ूम करके शॉट मार दो टाइम कैप्चर करो, और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर, अर्पित भाई आ गए हैं, अब देखना क्या धुआंधार बरसात करते हैं बोलो कि, ये छक्के चौके, ये आई गेंद, ओ भाई साहब तगड़ा, मुझे वो दिखती भी नहीं है बॉल, कमाल का शॉट मारा भाई ने, ओ भाई वॉली बॉल और क्रिकेट हर फील्ड में एक्टिव हैं, पूरे टेक्निकल भी पूरे एक्टिव हैं। विद भाई दो सब फैंस के लिए क्या है कि मैं पहले खेलता था बड़े लेवल पे बट अब इन लोगों को मौका दे रहा हूँ। अच्छा बोल्ड।
ये आउट हो गए, स्टंप स्टंप किल्ली उड़ गई, किल्ली ये काट देना ये नहीं कटेगा भाई वाह।